साथ काम करती हूँ, हिंदू मैटरियल लेडीज के साथ में। तो हम लोग कोशिश कर रहे हैं सिंधी क्राफ्ट को बचाने की। सिंधी एम्ब्रॉयडरी सबसे टफेस्ट एम्ब्रॉयडरीज में से एक आता है। तो अगर सक्सेस स्टोरी के बारे में कहें तो हम लोगों ने दो एम्ब्रॉयडरी पीस कर रखे हैं जोधपुर डिस्ट्रिक्ट में। और ना सिर्फ हमने वो ट्रेनिंग हम लोगों ने की, बट निफ्ट जोधपुर से भी उन आर्टिजन्स को हम लोगों ने मिलवाया एक्सपोजर विजिट के दौरान। उनके काम को उन्होंने देखा और उन्हें उसके जरिए कुछ ऑर्डर्स आना स्टार्ट हुए। तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी नावार का, जिन्होंने ये मौका हमें दिया। आरसीटी के थ्रू नाबार्ड के प्रोत्साहन स्वरूप सबको हम बैंकों द्वारा ट्रेनिंग दी जाती है, उसके बाद उनको बिजनेस शुरू करने के लिए पैसे की जरूरत पड़ती है। उसी में भी नाबार्ड के बहुत सारे प्रोग्राम चलते हैं, जिसमें एसएससी जो है गवर्नमेंट की भी स्कीम है, एनआरएलएम है या एनयूएलएम है, उसके थ्रू आर्टिसन को है, लघु उद्यम फाइनेंस है, वो बहुत प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम के तहत भी बहुत तरह की स्कीमों में बैंकों थ्रू फाइनेंस होता है, ताकि आप लोग एक बिजनेस स्थापित कर सको। बिजनेस स्थापित होने के बाद, उत्पाद होने के बाद उसको बेचना, वो एक बड़ा इम्पोर्टेंट काम है। और जो उत्पाद करने के बाद मार्केट से जोड़ने की जो प्रक्रिया होती है, उसी में भी आज नाबार्ड ने इस आयोजन थ्रू सारे जो देश भर के कारीगरों को एकत्रित करके जयपुर जैसे शहर में मार्केट से जोड़ने के काम किया है, बड़ा सराहनीय काम है। तो मैं नाबार्ड की जितनी तारीफ करूँ उतनी कम है। जो हमारा प्रयास है, ये एक विचार आया कि जयपुर जैसी जगह में जहाँ पे इतना टूरिज्म है, इतना बाहर से टूरिस्ट आता है, हमारा एक प्रयास होना चाहिए कि हम जो टूरिस्ट आर्टिजन्स हैं उनको किस तरह से मार्केट से और टूरिस्ट से जोड़ा जाए। नाबार्ड ने पहले भी ये इस तरह के प्रयास किए हैं, लेकिन पिछले कुछ सालों से क्योंकि कोविड के बाद से ये चीज़ें नहीं हो पा रही थी, तो हमने इस साल में इसको रिवाइव किया। और इसमें विशेष तौर पर मैडम का, टूरिज्म डिपार्टमेंट का, जवाहर कला केंद्र का धन्यवाद हूँ, जिन्होंने हमें ये प्रांगण में ये सुविधा उपलब्ध करवाई और जिसकी वजह से आज हम यहाँ सब एकत्रित हो पाए हैं। नाबार्ड, आपको जानकारी है, विशेषकर जो आर्टिजन है वो सब नाबार्ड को भलीभांति जानते हैं, वो किसी न किसी तरह से नाबार्ड से जुड़े हुए हैं, चाहे वो स्टार्टिंग में स्वयं सहायता समूह महिलाओं के बनाए गए क्रेडिट और सेविंग का उनको जो है लिंकेज दिया गया, उनको फिर ट्रेनिंग दी गई, उसके अलावा बहुत सारे हमारे कार्यक्रम हैं जिसमें गाँव में रहकर कृषि के अलावा जो रोजगार के दूसरे साधन हैं उनके लिए उनकी कैपेसिटी बढ़ाना, उनकी ट्रेनिंग करना, ये सब नाबार्ड पिछले 4 डिकेड से करता है। उसमें बैंकों का भी बहुत महत्वपूर्ण सहयोग रहा है, क्योंकि वो क्रेडिट लिंकेज की जहाँ बात आती है तो फिर बैंक उसके लिए हमेशा तत्पर रहते थे। तो इस तरह के जो कार्यक्रम हमारे चलते थे उसमें एक स्किल डेवलपमेंट का भी बहुत महत्वपूर्ण इनिशिएटिव है, एंटरप्रेन्योरशिप के लिए भी हम ट्रेनिंग करवाते रहे हैं। जहाँ तक एक और बहुत महत्वपूर्ण जो हमने प्रयास इस बार किया है वो GI पवेलियन का। कोई भी आर्टिस्ट आर्टिजन कुछ बनाता है तो उसकी एक तो उस तरह से मार्केटिंग नहीं हो पाती, क्योंकि वो कॉरपोरेट से कोई लिंक नहीं, उसकी कोई ब्रांडिंग नहीं है, तो उसके मेहनत ज़्यादा होती है और उसको जो प्राइस मिलता है वो उतना नहीं मिलता है। तो उसके लिए बहुत आवश्यक है कि उसकी एक GI टैगिंग हो, ताकि उसका एक ज्योग्राफिकल इंडिकेटर हो कि ये जो चीज़ बनाती, जैसे अभी वो सज्जन आए थे जिन्होंने बगरू के बारे में बताया था कि वो एक बहुत ही यूनिक प्रोडक्ट है, और उसका एक बार GI रजिस्ट्रेशन हो जाता है और उसके रजिस्टर्ड यूजर्स होते हैं, तो एक बार कोड के माध्यम से कोई भी परचेजर जो है उसको वेरीफाई कर सकता है कि ये एक जेन्युइन आर्टिजन का आइटम है, एक ये जेन्युइन चीज़ है। और ये ना केवल सामने सामने ऑफलाइन, इवन ऑनलाइन भी मार्केटिंग में हेल्प करेगा। तो उस क्रम में हमने पिछले दिनों 5 जो है GI आइटम रजिस्टर हुए हैं राजस्थान में, 5 और के लिए हमारा प्रयास है और हम इसको और अपस्केल करेंगे, क्योंकि राजस्थान एक ऐसी स्टेट है जहाँ पे पोटेंशियल बहुत है इस चीज़ का। तो उसमें आज हमने यहाँ पे एक अलग पवेलियन बनाया है जिसमें 19 GI प्रोडक्ट्स का डिस्प्ले है, जहाँ पे जो GI जिन रजिस्टर्ड यूजर हैं वो अपनी प्रोडक्ट की मार्केटिंग कर सकते हैं। मेरा सभी मीडिया कर्मी जो आज यहाँ पे प्रेजेंट हैं, आपसे निवेदन है कि हमारा मैसेज आप ज़्यादा से ज़्यादा जयपुर के निवासियों तक पहुँचाइए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग यहाँ तक पहुँच पाएँ, और जब हमारे जो आर्टिजन देश भर से आए हैं वो जब यहाँ से जाएं तो वो अगले साल इस उम्मीद में से आए कि यहाँ पे हमारा बहुत अच्छा लाभ हुआ था और ये कार्यक्रम आगे हमेशा बढ़ता रहे।
हमारा प्रयास भी यही है कि एक शुरुआत है, एक तरह से रीस्टार्टिंग है, पहले भी करते थे लेकिन गैप था, एक शुरुआत है लेकिन इसको हम बहुत आगे तक ले जाना चाहते हैं ताकि ये एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन के साथ साथ एक आर्टिजन डेस्टिनेशन भी बने और सभी आर्टिजन्स जो अपने हाथ का काम करते हैं उनको एक रोज़गार मिले, अपने गांव में अपने जहां भी वो रहते हैं वहीं से बैठ के वो ऐसा काम कर पाएँ कि उनका हर तरह से जीवन यापन हो सके। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपका पुनः धन्यवाद करता हूँ, आप यहाँ सब आए पधारे और मैं विशेष तौर पर मैडम का, सोलंकी जी का और ठाकुर साहब का जो अजमेर से स्पेशली आए सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। इवेंट कह दीजिए, फेस्टिवल कह दीजिए, इसका इनॉग्रेशन हो रहा है। मैं बधाई भी देना चाहूंगी, धन्यवाद भी देना चाहूंगी नाबार्ड को कि इन्होंने इतना एक यूनिक इनिशिएटिव लेकर के सभी जो हैंडीक्राफ्ट पर्सन है उनको मार्केटिंग एवेन्यूज उपलब्ध कराने के लिए ये एक इनोवेटिव कदम उठाया है। राजीव जी, आपको और आपकी टीम को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं, क्योंकि हम कई समय से देख रहे हैं कि एक टाइम था कि जब हैंडीक्राफ्ट पर्सन, हथकरघा ये ओब्लिवियन में पीछे चला गया था, लेकिन अब समय के साथ साथ न केवल पुरानी जनरेशन के लोग लेकिन जो नई जनरेशन के बच्चे हैं, नई जनरेशन के लोग हैं, उनमें भी ऑथेंटिक प्रोडक्ट्स की डिमांड बहुत बड़ी है। That avenues, those set of avenues are also open here. मैं ज्यादा समय नहीं होगी, सभी आर्टिसंस मेरे ख्याल से उत्सुक है कि अपने अपने स्टॉल से जाए फॉर्मली लोगों को शुरू कर दे। एक बार पुनः नाबार्ड की पूरी टीम को जिन्होंने इतना अच्छा इनिशिएटिव लिया है और हमारे जवाहर कला केंद्र को अपना वेन्यू चुना है, मैं आपकी आभारी भी हूँ और आने वाले समय के लिए शुभकामना भी देती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।